हम लोग यहाँ एकदम सीएबीयू को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सीएबी सबसे पहले तो एकदम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हमारे जो फाउंडिंग फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उन्होंने सेकुलर स्टेट बनाया था, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। उसका बात यह है कि जो असम अकाउंट था, असम अकाउंट का भी एकदम वायलेशन हो जाएगा इससे, क्योंकि असम में जितना भी एनआरसी हुआ है, जितने लोग निकले हैं, 19 लाख लोग आगे डिटेंशन सेंटर में है, वो आसाम कोर्ट थी इसमें कि 855 लोग की मौत हुई थी, उसका उसका वायलेशन होगा। दूसरी बात यह है, टिकट सी एबी के बाद अगर वो एकदम वो कहते हैं एनआरसी आता है, तुम लोग एकदम मुस्लिम लोग जो भी है एकदम सेकंड क्लास सिटीजन बन जाएगा इंडिया का। हम लोग के साथ दिक्कत यही है कि आपको तो मतलब कि जो भी एकदम 2014 से पहले जो भी वो जो भी एकदम 6 कम्युनिटी है उन्हें तो मिल जाएगा एकदम भारत का सिटीजनशिप, पर जो मुस्लिम है उन लोग एकदम सेकंड और उन लोग सेकंड क्लास सिटीजन बन जाएंगे इंडिया के। दिक्कत यही, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग का लाठी का है, आंसू गैस का बहुत जेले का चोट लगा है और ये भी लाठी खाया था अगर तो हमें। दिक्कत यही है कि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हम जैसा हमारे फाउंडिंग फादर चाहते थे तब वैसा चाहते हैं। हम लोग बीआर अम्बेडकर को सपोर्ट करते हैं, ना कि सावरकर को। अपना नाम बताइए, कौन कोर्स कर रहे हैं आप? वो कहते हैं फैसल मंजर है, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से। नाम क्या आपका? अरे तो फैसल मंजर। आप बताइए, ये आज तीसरा दिन है यहाँ जामिया में प्रोटेस्ट का, पहले तो अपना नाम बताइए, आप कोर्स कौन सा कोर्स कर रहे हैं? मेरा नाम शशांक शेखर है, मैं BA LLB ऑनर्स कर रहा हूँ, लॉ का विद्यार्थी। कल भी आप प्रोटेस्ट में शामिल थे, कल का थोड़ा ब्रीफ बताइए, क्या हुआ था रात में? कल ऐसा हुआ कि बच्चे पीसफुली मार्च करने के लिए पार्लियामेंट हाउस के लिए पहले से मन बना चुके थे, पॉम्पलेट सर्कुलेट हो चुके थे, बच्चे रोड पे खड़े थे, पुलिस ने जबरन लाठी चार्ज की बच्चों के ऊपर, आंसू गैस के गोले छोड़े और बच्चों को एक तरह से विक्टिमाइज किया, ये कल हुआ है। बहुत सारे बच्चों के हाथ टूट गए हैं, बहुत सारों के पैर टूटे हैं, बाहर देख सकते हैं लोगों के पैर टूटे हैं, हाथ टूटे हैं, सर फटा है लड़कियों का, लेडीज कांस्टेबल नहीं थी, लड़कियों को पुलिस वाले मार रहे हैं, मेल जेंट्स मार रहे हैं, इससे क्या हो सकता है? ये सरकार जो है एंटी सेकुलर सरकार है, एंटी मुस्लिम सरकार है, और जो आप अगर बिल की बात करें तो इसकी क्या जरूरत थी कैप को लाने की? एनआरसी प्लस कैप को अगर आप मिक्स करके देखिएगा तब आपको पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा समझ में आएगा अमित शाह का। तो आपको लगता है कि जो एनआरसी और कैप दोनों मिलकर जो है ये हिंदुस्तान का जो सेक्युलर कैरेक्टर है वो खतरे में पड़ जाएगा? बिल्कुल डायल्यूट कर रहे हैं, बिल्कुल डायल्यूट कर रहे हैं। आप पहले से देखिए ना, ये सरकार 370 लाती है, पहले नरेंद्र मोदी की सरकार थी 5 साल, उसके बाद जब से अमित शाह आए हैं 5 साल में अभी 2 बार सेशन हुए हैं पार्लियामेंट के, उसमें से इतने बड़े बड़े एक्शन इन्होंने ले लिए। इनकी क्या मेंटेलिटी है? ये खुद देश निकाला पे थे, ये उन्हें खुद गुजरात से भगाया गया था, क्या बात कर रहे हैं आप? 2012 में इनको खुद होम मिनिस्टर थे ये गुजरात के, इन्हें भगा दिया गया था, पी चिदम्बरम उस समय सेंट्रल में होम मिनिस्टर थे, आज उनको अंदर कर दिया INX मीडिया केस में। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन दिस कंट्री? आप अपना नाम बताइए और कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप बताइए? आतिफ नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। अच्छा, अभी आप जो सैकड़ों स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या ये सभी कम्युनिटी के स्टूडेंट है या सिर्फ एक पर्टिकुलर? यहाँ सभी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं। देखो, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जो एक आर्टिकल 14 के अगेंस्ट जाता है कि पहले इक्वालिटी आती है उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट्स आएगा। इक्वालिटी ये वायलेट कर चुके हैं क्योंकि ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं है कि आप रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट में, और उन्होंने सीधा डायरेक्ट लिखा है कि आगे मतलब है, नाम तो लिया नहीं है पर मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर बाकी सब के लिए ये बिल निकाला है। ये पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो गया है सीधा, और इसके खिलाफ ना किसी ने आवाज़ नहीं निकाली, प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का काम है इसके खिलाफ आवाज़ निकाले, नहीं निकाल रही, पर यूएन ने इसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, उसका देखिए आप असर आता है कि नहीं आता, पर मुझे तो लगता नहीं है कुछ देने वाला है। कब तक आप लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे? जब तक ये सीएबी वापस ना ले या बिल में अमेंडमेंट में मुस्लिम्स का भी नाम ना डाल दे तब तक, क्योंकि बहुत लोग के मान लीजिए पुराना डेटा है, अब पहाड़ में डेटा निकल गया, अब कैसे प्रूफ करेंगे वो इंडियन है? मान लीजिए मुस्लिम छोड़ के बाकी सब तो बच जाएंगे, अब बचा मुस्लिम्स, उनको फिर ये क्या करेंगे? जो चाइना कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डालेंगे, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन कैंप में क्या होता है सबको पता ही है। कल आप प्रोटेस्ट में थे, आपका नाम बताइए? मेरा नाम अरफात अहमद है, मैं जामिया से डिप्लोमा
इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। कल कितने बच्चे, बहुत सारे डिटेन भी हुए थे ना? कल लगभग 38 से 40 बच्चे डिटेन हुए थे। हाँ, और उनको छोड़ा कब? आप लोग 11:30 बजे आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, 12 आधा एक घंटे बाद छोड़ दिया गया था जामिया में, जहाँ से लिया था उठाया था वहीं छोड़ दिया गया था उन्हें आधा एक घंटे बाद। उनके साथ कोई ऐसा लाठीचार्ज नहीं किया गया था। लेकिन आपका प्रोटेस्ट लेट नाइट तक चल रहा था? हमारा प्रोटेस्ट लेट नाइट तक चला था, पूरी रात चला है, अभी भी चल रहा है और आगे तक चलता रहेगा। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक चलता रहेगा। ये सरकार हिंदू के साथ मुस्लिम जुड़ना ही जुड़ना है। ये सरकार ने हिंदू से मुस्लिम अलग करा है, हिंदू बहुत से ईसाई। अगर आपसे मैं कहूँ हिंदू तो आप वहाँ से मुस्लिम कहोगे, और आप मुस्लिम कहोगे तो मैं हिंदू कहूँगा। इस सरकार, इस होम मिनिस्टर ने हमारे हिंदू बहुत से ईसाई जोड़े, तो वो भी पार्लियामेंट में एक बार हिंदू के साथ मुस्लिम खुद जोड़ गए। तो हिंदू मुस्लिम इस मुल्क का अलग हो नहीं सकता, कोई कितनी कोशिश कर रहे। जब तक हिंदू है तब तक मुस्लिम है, जब तक मुस्लिम है तब तक हिंदू है। अच्छा, आप आइए। आप अच्छा, कल आप लोग सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज बाहर नहीं निकलने दिया गया? ये बहुत लंबी लड़ाई है, सड़क पे प्रोटेस्ट करके लाठी खा के ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। हमें अपने हक की बात करनी है तो अपने हिसाब से करनी होगी, और हम वही चल रहा है। आज आप लोग बाहर निकले हैं क्या? बाहर हम नहीं निकले, हम अपने कैंपस में बैठ के अपने करेंगे, लाठी खा के ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अच्छा, कल तो यहाँ तक बहुत सारी पुलिस थी, लेकिन आज पुलिस नहीं है। हमारा प्लान था पार्लियामेंट हाउस पे जाने का, तो उसके लिए हम निकल रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से। पुलिस ने हमें 4 नंबर गेट से आगे बढ़ने नहीं दिया, बिल्कुल आराम से चल रहे थे। उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया, तो हम यहाँ लाठी खाने आए नहीं है। हम अपने आराम से कानून के हिसाब से, कानून के दायरे में अपना प्रोटेस्ट चला रहे हैं कैंपस के अंदर। अच्छा, एक सवाल मुझे बताइए कि जामिया में कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं है, फिर भी किस लीडर के कॉल पे आप लोग ऐसे जमा हो गए? लीडर की जरूरत नहीं, अपने संविधान को बचाने की लड़ाई है, इसमें लीडर की जरूरत नहीं। कोई लीडर का कॉल नहीं, कि हम लोग अपनी अंतरात्मा और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आए हैं, हमें किसी लीडर की जरूरत नहीं है। एकदम गलत के खिलाफ गलत हम लोग बोलते हैं, हमेशा बोलते रहे कि जामिया यही सिखाता है। जामिया का फाउंडेशन तो ब्रिटिश सरकार से लड़ी थी, तो ये क्या है? जामिया का फाउंडेशन प्रोटेस्ट पे था, और हम लोग उसी को सपोर्ट करते हैं, गांधी जी को सपोर्ट करते हैं, कि हम लोग का फाउंडेशन इसी पे था। हम लोग गलत को गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे, कोई